विविध भारती। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। आज बड़ा विशेष दिन है, हाँ बड़ा मणिकांचन योग है कि आज विविध भारती का स्थापना दिवस पड़ा है। खास ये अवसर पर यानी माता रानी के अष्टमी के दिन तो पूरा देश मना रहा है अलग अलग तरह से, और विविध भारती के श्रोता भी मना रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अभी दो घंटे का कार्यक्रम सुना उन्होंने, देखा भी फेसबुक पर जी, और उन्होंने बड़ा इंजॉय भी किया होगा ये कार्यक्रम नितिन राय कुमार जी से। ढेर सारी बधाई दे देते हैं। बहुत सारी बधाइयां जी, जी बहुत सारी बधाइयां सारे श्रोताओं को, और बुआ जी आपको भी बहुत सारी बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि जानते हैं कि भारत भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भारत भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे विविध भारती, गूंजे विविध भारती, इस परिकल्पना के साथ इसकी शुरुआत हुई। लेकिन आज ये विश्व में गूंज रही है, केवल भारतवर्ष में नहीं और हर दिल में धड़क रही है, और ये स्वर लहरियां गूंजती ही जा रही हैं, और हमें लगता है श्रोताओं का प्यार ऐसे ही बना रहा। संगीता बिटिया जी जी, तो जी। बस ऐसे ही गूंजती रहेंगी, हाँ, है ना। और श्रोताओं ने इतना प्यार दिया है विविध भारती को बुआ जी, जी। और यही वजह है कि विविध भारती की ध्वनि आज पूरे विश्व में साथ ही साथ देश में तो गूंज ही रही है। और ये शुरुआत हुई 1957 से 3 अक्टूबर, सब जानते हैं। आरंभ में प्रसारण केवल 2 केंद्रों से था, लोकप्रियता बढ़ती चली गई और बहुत सारे और केंद्र शुरू हो गए। हिंदी भाषियों का लोकप्रिय चैनल होने के साथ साथ कुछ अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारण की सुविधा है, और विविध भारती का प्रसारण पूरे भारतवर्ष में, अब तो ये नहीं कह सकते कि केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व में सुना जा सकता है न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से। जी बिल्कुल जी। वैसे अगर देखा जाए तो रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई, 2 निजी ट्रांसमीटरों से इसकी शुरुआत हुई। 1930 में इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नाम दिया गया और 1957 में आकाशवाणी का इसे नाम दे दिया गया। और आकाशवाणी के तत्कालीन जो महानिदेशक गिरजा कुमार माथुर ने पंडित नरेंद्र शर्मा, गोपाल दास, केशव पंडित और अन्य जो उनके साथी थे, उनके साथ एक अखिल भारतीय मनोरंजन सेवा की जो एक परिकल्पना की थी बुआ जी, और इसी वजह से नाम पड़ा विविध भारती सेवा, यानी कि कार्यक्रमों में विविधता बनी रहे और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाकर, यानी कि इसको सजाने संवारने में, इसकी नींव रखने में, इसको पोषित करने में, इसके पालन पोषण में बहुत एहतियात रखी गई, बड़ा ध्यान रखा गया। और जिस कोमलता के साथ इसकी शुरुआत हुई, प्रयास रहता है कि वो बना रहे, वो कलेवर वही बना रहे। लेकिन हाँ भाई, उस कलेवर के संग संग जमाने के साथ चल रही है विविध भारती आपकी दोस्तों, और सोशल मीडिया पर हर जगह परचम लहरा रही है सिर्फ आपकी वजह से दोस्तों, है ना जी। और पायदान तो चढ़ना ही पड़ता है ना, क्योंकि आधुनिक युग है। लेकिन जो हमारे गीत हैं, आपको जो कर्णप्रिय लगते हैं, आपको जो प्यारे लगते हैं, जो आपके दिल के नजदीक हैं, उन्हें हम उसी अंदाज में प्रयास करते हैं कि लेकर आते रहें, वैसी ही हिंदी आपको मिलती रहे, वही मिठास, वही स्वर, वही सब कुछ मिलता रहे आपको जी। और वैसे तो देखो पंचरंगी कार्यक्रम से शुरुआत हुई थी और अब धड़कन बन गई जी जी बिल्कुल धड़कन बन गई। आकाशवाणी का ये जो पंचरंगी कार्यक्रम है ये आज भी इसी तरह से चल रहा है, और तमाम तैयारियां हुई थी बुआ जी। हाँ। 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती सेवा जो है मुंबई में शुरू की गई, और उसके बाद बजा जो पहला गीत था वो पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखा और मशहूर। हाँ वो बात तो है, तुम जानकारी अभी 2 मिनट बाद देना, क्योंकि हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है संगीता भैया, कि एक जमाने में भारत सरकार ने अनेक कारणों से आकाशवाणी पर फिल्मी गाने बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये समझा जा रहा था कि फिल्मी दुनिया से आ रहे गाने लोगों को बिगाड़ रहे हैं, इसलिए केवल सुगम संगीत पर आधारित गीत ही रेडियो पर बजाए जाते थे। उसी दौर में रेडियो जो प्राइवेटिक था उसमें फिल्मी गीतों के जरिए लोगों तक उसकी पहुंच जबरदस्त हो गई। अब जाहिर है कि व्यावसायिक हितों को पूरा भी करना जरूरी था। ऐसे दौर में केशव पांडित, पंडित नरेंद्र शर्मा, गोपाल दास और गिरजा कुमार माथुर जैसे साहित्य और रेडियो प्रसारण की कद्दावर हस्तियों ने विविध भारती की नींव रखी, और विविध भारती को किस मकसद से शुरू किया जा रहा था इसका जवाब बस एक वाक्य में ही मिल जाता है, ये आकाशवाणी की अखिल भारतीय मनोरंजन सेवा थी। और जो तुम बता रही थी नाच रे मयूरा, हाँ, उसके बारे में वो भी गीत था जो पहला बजाया गया, प्रसारित किया गया, और मशहूर गायक मन्ना डे जी ने इसे गाया था। और अखिल भारतीय मनोरंजन सेवा विविध भारती की पहली उद्घोषणा जो थी बुआ जी वो शील कुमार जी ने की थी, और आगे चलकर अविस्मरणीय जैसा कि आपने बताया तमाम कलाकारों ने और फिल्मी हस्तियों ने इसे आगे बढ़ाया, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो विविध भारती है आज के समय में
में बुआ जी, वो एक बड़ा ही समृद्ध खजाना बन गई रेडियो के। तो भाई हम अपना बहुत समृद्ध जो हमारा अतीत है, सुनहरा अतीत है, उसको लेकर प्रयास कर रहे हैं और एक सुनहरे भविष्य को देखते हुए वर्तमान और अच्छा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाच रे मयूरा की जब इतनी बात हो रही है तो उसको अच्छा नहीं सुनाना है, लेकिन अभी क्या सुनाने जा रहे हैं? जो अपनी शुरुआती धुन थी और किस तरह से उद्घोषणा की गई थी बुआ जी, वो पहले सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को। भाई देख लीजिए, ये हमने कहा था ना कि आधुनिक युग है, तो प्यारी बिटिया जो संगीता है, दुलारी बिटिया, उनकी बात पहले मानना पड़ेगा। तीन अक्टूबर 1957 को सुबह 10:13 पर जब ये सिग्नेचर ट्यून शॉर्ट वेव 19 और 25 मीटर बैंड की तरंगों पर चढ़कर रेडियो सेटों तक पहुंची थी, उस दिन एक नई बात हुई थी। और वो नई बात ये थी कि उस दिन ये धुन आकाशवाणी के पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती के जन्म की सूचना थी। ये आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम है विविध भारती। हमारी पहली सभा आरंभ। जी हाँ, आवाज यही थी, उद्घोषणा भी यही थी, लेकिन विविध भारती सेवा का आरंभ इस तरह नहीं हुआ था। इस उद्घोषणा से पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर पंक्तियों ने शुभकामना के फूल बरसाए थे, कविवर नरेंद्र शर्मा के स्वर में। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। ये मंगल ध्वनि, और इसी के साथ देखे जैसा कि परिकल्पना की गई थी बुआ जी, पूरे भारतवर्ष में विविध भारती आज दिलों की धड़कन है। जी हाँ, हर दिलों में बसा हुआ है और सुकून देता है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है दुलारी संगीता, हमारे बहुत सारे श्रोता अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से अपनी भावनाएं भेज रहे हैं। अभी लगातार इन्होंने 2 घंटे कार्यक्रम देखा फेसबुक के माध्यम से, सुना भी, सराहा भी, तो अब हम क्या देने जा रहे हैं? अब नाच रे मयूरा सुनवा देते हैं, जो कुछ पहला गीत इसके खास तौर से विविध भारती की स्थापना के समय बनाया गया था, है ना जी। तो मन तो झूम उठा, क्योंकि हमारे जो सब कार्यक्रम हैं, विविध रंगी कार्यक्रम, वो सब आप सुनते ही रहते हैं 24 घंटे। लेकिन संकेत धुन की कुछ तुम बात कर रही थी। जी जी बिल्कुल, संकेत धुन जो है वो वॉल्टर कॉफमैन, जिनके बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग जानते हैं, 1907 में जन्मे थे बोहेमिया चेकोस्लोवाकिया में, और उसके बाद संगीत शास्त्री, संगीत शिक्षक के साथ साथ कंपोजर भी बने। 1935 से 46 तक कॉफमैन भारत में रहे बुआ जी, उसके बाद फिल्म उद्योग बम्बई की एक कंपनी में संगीतकार रहे, और फिर थोड़े समय के बाद बॉम्बे चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर भी इन्होंने काम किया। 1946 तक ऑल इंडिया रेडियो बम्बई में डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक बनाए गए, और उन्हीं दिनों इन्होंने ये संकेत धुन बनाई, और इसमें जो सुरीली धुन सुनाई देती है जी, तानपुरा वायलिन और वोयला, वोयला की है, तो बड़ी ही खूबसूरत थी जी। तो बहुत सारे ये जो धुन सुनकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं के और हम सब के पुरानी यादें ताजा हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजते ओंकार नाद का स्वर है। वॉल्टर कॉफमैन पश्चिमी क्लासिक संगीत में दक्ष थे, और 1957 में कॉफमैन स्थायी रूप से अमेरिका चले आए और इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन के संगीत प्रोफेसर बन गए। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत नई संगीत की शैलियों की रचना की, और उनके बारे में बात बताएं तो अगर तो उनकी लिखी पुस्तक है रागाज ऑफ नॉर्थ इंडिया, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बेशकीमती किताब मानी जाती है, और आकाशवाणी के ये जो विलक्षण जो संकेत धुन है वो अपनी अपनी जो कहना है अद्भुत जो दिव्यता है वो अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। जी जी जी, और आकाशवाणी और विविध भारती की जब बात होती है बुआ जी, तो कलाकारों और सबकी तो बात हम करते ही करते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के टेक्नीशियंस हैं, यानी कि जो हमारा कंट्रोल रूम है, वो बड़ा ही समृद्ध है। तो एक तरह से जो शुरू से लेकर के अभी तक विविध भारती ने जो मकाम हासिल किए हैं, उनका बहुत सारा श्रेय जो है वो हमारे टेक्नीशियंस और कंट्रोल रूम के इंजीनियर्स। जी हाँ बिल्कुल, नियंत्रण कक्ष बहुत आवश्यक होता है, और तकनीकी सहयोग हर कार्यक्षेत्र में बहुत आवश्यक होता है। तो आप सब समझते हैं कि सब मिलजुल कर ही काम करते हैं, तभी कहीं कोई एक अच्छी चीज बनकर निकल कर आ पाती है। चाहे वो अभी हम
पूरे दिन के प्रसारण की बात करें या अभी जो विशेष कार्यक्रम दो घंटे का हमने प्रस्तुत किया उसकी बात करें, कलाकार भी अपने एक नियत स्थान रखते हैं, एक अलग महत्व रखते हैं, और वैसे ही तकनीकी जो है अनुभाग भी अपना एक विशेष महत्व रखता है जी, है ना। लूट लेता है ये मन का नगर जो है अपना विविध भारती जी, घर आंगन में इसकी एक अलग महक है, एक अलग ही महक रहती है इसकी, है ना जी। और इसकी ताजगी बरकरार है और बरकरार रहे, ये शुभकामना तो हमारे साथी भी दे रहे हैं और हम भी यही कामना करते हैं ना संगीता जी। बिल्कुल। और उषा की किरणों ने स्वर्ण कलश छलकाया, भोर ने धरती का आंचल सरकाया, झीलों पर सारस के जूड़े की उड़ान, हिरनों के कुलाचे चमेली की अंगनाई, फिर सुबह संदली हवाओं से नहाकर आई, ऐसी तरुण बेला में स्वर लहरियों पर सवार, हर आंगन हर उपवन में बनकर अमृत फुहार, लेकर सुर सागर की झंकार आई विविध भारती। चंदन सी सुगंध है अधरों पर मुरली सीतान, हरि भजन का राग सुनाती, भारत भूमि की संस्कृति से हमारा साक्षात्कार कराती, समय की घड़ी बनकर वक्त की अहमियत भी बताती। बचपन गुजरा इसके आंगन में, बचपन गुजरा इसके आंगन में, इसके दुलार में उम्र परवान चढ़ी, कुछ खट्टी मीठी यादों के साए थे जो रेडियो विविध भारती में समाये थे, कुछ खट्टी मीठी यादों के साए थे जो रेडियो विविध भारती में समाये थे, कोई गीत जिंदगी का राग सुनाता, कोई राह दिखाता तो कोई हिम्मत बंधाता, कोई मातृभूमि के प्रेम की अलग जगाता तो कोई दूर देश ले जाता। इसके आंगन में खुशियां मुस्कुराती, इसके आंगन में खुशियां मुस्कुराती तो कभी दर्द भी राजदार है विविध भारती, तो कभी दर्द की भी राजदार है विविध भारती। विविध भारती, हाँ विविध भारती, मेरे दिल का साज है ये विविध भारती। आंखों की सिलवटें कहती हैं उम्र की एक दहलीज पार कर आए हैं, लेकिन विविध भारती के आंगन से गीतों की वही झनकार अब भी आती है। तो दिल से यही दुआ आती है, तो दिल से यही दुआ आती है कि तू शाद रहे, तेरे आंगन तेरा आंगन शहनाइयों की गूंज और गीतों के मधुर तान से आबाद रहे, दिल से यही दुआ आती है कि तू शाद रहे, तेरा आंगन शहनाइयों की गूंज और गीतों के मधुर तान से आबाद रहे जी। सबके साथ हमारे दिल से भी यही दुआ आती है, हम सबके दिल से भी यही दुआ आती है, दुआ आती है और आती ही रहेगी। दुआओं की जब बात आती है तो आज बड़ा विशेष दिन है जी, सब कोई दुआ मांग रहा है विविध भारती के लिए, और अष्टमी का दिन है तो जाहिर है कि ये सब दुआएं फिर से गूंजती ही रहेंगी, और जब दुआएं हैं असरदार हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर भी मिल ही जाएगा, तो आराधना हम भी कर लें थोड़ी सी। हाँ बुआ जी, माता का द्वार ऐसा ही है कि सभी के हाथ उठते हैं दुआ के लिए, और सबको जो भी चाहिए सबकी आशा यही होती है कि माँ सबकी झोलियाँ भरेंगी, सबकी झोलियाँ भरें और उसमें कहीं भी कोई असमानता नहीं रहे ना। हाँ। मतलब सबको समान रूप से मिलना ही चाहिए, अब वो चाहे माता की पूजा करके पाएं और चाहे वैसे ही पाएं, लेकिन प्रबंध तो सभी लोग करते हैं कि सबको मिले बराबर से, आजकल कन्याएं पूजी जा रही हैं, लेकिन क्या लगता नहीं कि हमें हमेशा इसी तरीके से समानता का उन्हें अधिकार देते रहना चाहिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे उनके रहने की बात हो, या किसी भी क्षेत्र में, या किसी को भी क्यों अलग अलग तरीके से देखा जाए, है ना जी। जी, तो बहुत सारी संस्कृति में हमारे देश की ऐसा है भी कि जहाँ महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके बारे में बात किया जाता है। हाँ। और ये त्योहार भी देखिए कुछ इसी तरह से, मतलब हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि सम्मान किया जाए। तो संगीता बिटिया देखो, हाँ। देते तो हैं, लेकिन हम तो बस थोड़ा व्रत हो रहे, उपवास रहे, थोड़ा व्यंजन व्यंजन खा लिया, हाँ। और नए नए कपड़े पहन लिए, एक दूसरे को बधाई दे दी और बस समझ लिया कि इतिश्री हो गई हमारे उसके, मतलब कहना चाहिए कर्तव्य की, तो ऐसा नहीं है। आज के लिए खास दिवस इसलिए भी हम बात कर रहे हैं अपने कर्तव्यों की कि पर्यावास दिवस है। पर्यावास दिवस जो है ये 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको मनाने की घोषणा की थी, और फिर बात आ रही है जो हम बार बार कह रहे हैं कि मानव जाति के मूल अधिकारों को समझना, उन्हें पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, जैसे जीविका, आश्रय, मतलब रहना खाना, और उनकी बेहतरी के लिए किए जाने वाले बहुत सारे कार्य हैं, उन्हें संचालित करना और उसका पूरा व्यवस्था करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं जी जी, और प्रत्येक वर्ग तक ये सारी सुविधाएं पहुंचे इसके लिए बहुत जरूरी होता है बुआ जी की जमीनी स्तर पर इसके लिए
काम करना, तो इस विचार से भी इसे आगे बढ़ाया गया। और मूलभूत जो चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत बार ज़रूरत पड़ती है खाद्यान्न की, दवाओं की, आवाज़ की या शिक्षा वगैरह की, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कोशिश ये की जानी चाहिए कि सभी को मुहैया हो सके। बिल्कुल, जैसे कि हम खुशी से त्यौहार मना रहे हैं, वैसे ही हर तबका मनाए, हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग मनाए, भले ही उनके पास पैसा कम हो या ज़्यादा हो, है ना। नगरीकरण, अच्छे वातावरण और गरीबी उन्मूलन के लिए नए नए तरीके खोजना, व्यवस्था करना कि कैसे गरीबी कम हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, इसके अलावा परिवहन है, वृक्षारोपण है, वायु प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरूक करना, झुग्गी क्षेत्र में सुधार करना, और इसके संग से जैसे अभी तुमने कहा कि दवा आदि की व्यवस्था करना, तो उसके साथ साथ टीके आदि का प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है, है जी। और शहरों में भी ये चीज़ें हों, गांवों में भी इनकी सुविधा पहुंचे, और जो शुद्ध पानी होता है उसकी समस्या होती है तो उसको भी मुहैया करवाना, साथ ही साथ बच्चों के लिए कुछ कदम ऐसे जैसे कि नशा मुक्ति वगैरह हो गए या उनके इलाज वगैरह के लिए हो गए, उनके आवास वगैरह के लिए, उनके कपड़ों के लिए, बच्चों के लिए तो बल्कि शिक्षा की व्यवस्था करवाना बहुत ज़रूरी है जी। जब शिक्षा नहीं होगी तो जाहिर है कि फिर नशा करेंगे, और नशा करेंगे तो आप फिर आप नशा मुक्ति की व्यवस्था करें, है ना जी। तो बेहतर है कि पुनर्वास की फिर व्यवस्था करें, तो बेहतर है कि अगर शिक्षा होगी अच्छे तरीके से, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ महत्व बता दिया और काम खत्म, उसके संग संग पैसा अगर नहीं है तो पैसे भी दिए जाए, है ना, यानी कि हर तरह से उन्हें ये कोशिश की जाए कि भाई वो तबका जो है वो ऊपर आए, ऊपर आए। और उसके संग संग एक बात और है कि आप रहने की जो हम बात बार बात कर रहे हैं कि केवल सफाई आदि के संग संग कचरा प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है, इसमें एक बड़ा अहम मुद्दा है ये। हाँ जी जी, कचरा प्रबंधन, और उसके साथ साथ जो एक कहते हैं कि आगे बढ़ाने की जहां तक बात होती है, तो उसके लिए सरकार हो या नागरिक हो या फिर कोई निजी क्षेत्र के लोग हैं, वो सब भी आगे आते हैं। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1989 में कुछ एक पुरस्कार भी शुरू किए गए थे बुआ जी, उसमें पर्यावास स्क्रॉल ऑफर ऑफ ऑनर ये पुरस्कार दिया जाता है जो लोग इसमें आगे आते हैं, आगे आते हैं यानी काम करते हैं और इसके बारे में सजग होते हैं जी। सबसे ज्यादा विकेट 196 वनडे मैच में, क्या झुलन गोस्वामी जी। अच्छा, तो ये तो हमने बताया ही नहीं कार्यक्रम में आज। हाँ। तो भाई बहुत अच्छे अच्छे अवसर थे जिनकी बधाइयां देते देते हम यहाँ तक पहुँचाए कार्यक्रम के, कहना चाहिए कि आधा समय पार हो चुका है और आज हम तो चित्रलेखा भी लेकर हाजिर हैं जी, है ना, हमारे श्रोता जो है वो इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी बता दें कि चित्रलेखा के बाद गीत तो आप सुनेंगे ही, लेकिन झुलन गोस्वामी क्रिकेटर के बारे में भी हम बात करेंगे। आज सखी विशेष में हमारी ये मेहमान है जी। चित्रलेखा कोरी कथा नहीं, भगवती चरण वर्मा की लेखनी का मानव चिंतन को एक दिशा निर्देश चित्रलेखा। मौर्य काल के पात्रों की ऐसी जिज्ञासा जो आज भी सार्थक है, चित्रलेखा। पिछली कड़ी में श्वेतांग और यशोधरा के बीच प्रवाहित रसधारा को भांप कर बीजगुप्त ने कहा था, यही जीवन है। किंतु उसका अपना जीवन क्या था? चित्रलेखा के बिना बीजगुप्त के लिए जीवन का क्या मूल्य था? आज की कड़ी में हम इन्हीं प्रश्नों से गुजरेंगे, लेकिन पठन आरंभ करें यशोधरा की आकर्षण से। यशोधरा में आकर्षण भी था, वो आकर्षण कितना सुंदर, कितना मधुर और कितना जीवनहीन। यशोधरा के पास बैठकर मनुष्य पवित्रता को देख सकता था, पवित्रता को प्राप्त कर सकता था और पवित्र हो सकता था। फिर भी बीजगुप्त को सुख न था, उसको प्रसन्नता न थी। यशोधरा के व्यक्तित्व में उसने एक ऐसे वातावरण का अनुभव किया जिसका वो अभ्यस्त न था। यशोधरा की अभेद्य गंभीरता में
जीवन की एक मौन पहेली छिपी थी। उसके स्पष्ट निश्चल तथा कवित्वहीन वार्तालाप में उस साधना का समावेश था जिसका बीज गुप्त केवल आदर कर सकता था, जिसको अपना नहीं सकता था। यौवन हलचल चाहता है, पग पग पर वो कठिनाइयों को ढूंढता है और अपनाता भी है। यौवन अपना अस्तित्व स्पष्ट रखने का पक्ष पाती है, अपने व्यक्तित्व को वो कहीं मिटाना नहीं चाहता, वो उसे कहीं पीछे भी नहीं फेंकना चाहता। साथ ही यौवन अपने जीवन में केवल उस व्यक्ति को चाहता है जो स्पष्ट हो, प्रभावशाली हो, कई भिन्न भिन्न शक्तियों के संगठित होकर एक हो जाने को ही क्रांति कहते हैं। पर वहां पर उन शक्तियों का केवल संगठन ही होता है, वे शक्तियां पृथक होती हैं, किसी भी समय उनका पार्थक्य अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए बीज गुप्त के हृदय में यशोधरा की स्मृति एक भय मिश्रित सुख, एक भ्रम मिश्रित अनुराग, एक जीवनहीन प्रेम के रूप में थी। यशोधरा एक प्रतिमा थी जिसे हृदय मंदिर में बिठलाकर पूजा जा सकता था। यशोधरा में नारीत्व के आदर्शवाद से युक्त पवित्रता थी। यशोधरा धर्म के विश्वास की प्रतिमूर्ति थी। यशोधरा की आंखों की सुधा में शांति थी, शीतलता थी। और बीज गुप्त जीवन चाहता था, हलचल चाहता था, अपनी नसों में उष्ण रक्त का मादक प्रवाह चाहता था। इसीलिए बीज गुप्त अपने जीवन में यशोधरा को न चाहता था। जिसने एक बार मदिरा की मादकता को जान लिया, वो फिर मदिरा नहीं छोड़ सकता। बीज गुप्त चित्रलेखा से प्रेम करता था। चित्रलेखा को छोड़ देना उसके लिए असंभव था। जिस समय बीज गुप्त अपने भवन पहुंचा, उसे चित्रलेखा का पत्र मिला। पत्र सादा था, छोटा था, पर उस छोटे से पत्र में जीवन की एक लंबी कहानी थी, मनोविज्ञान का एक संपूर्ण ग्रंथ था। पत्र इस प्रकार था। पूज्य, आज वो करने जा रही हूं जिसकी कभी आशा तक न की थी। मैंने तुमसे प्रेम किया है और अब भी करती हूं। प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है, उसी त्याग को कर रही हूं। मैंने तुम्हारे जीवन को निरर्थक बना दिया था। एक योग्य पुरुष को मेरे प्रेम ने कर्तव्य से विमुख कर दिया था, उसका प्रतिकार करने जा रही हूं। मैंने अब भोग विलास को तिलांजलि देकर संयम को अपनाना ही उचित समझा, और इसलिए मैं योगी कुमार गिर से दीक्षा ले रही हूं। तुम्हें विवाह करना ही होगा, यदि अपने लिए नहीं तो मेरे अनुरोध से। मेरे रहते हुए तुम अपना विवाह ना करोगे, ये मैं जानती हूं, इसलिए तुमसे अलग होना पड़ रहा है। रही मैं विधवा थी, प्रेम वश मैं कर्तव्य भ्रष्ट हुई। एक बार फिर अपना कर्तव्य पालन करूंगी, वैधव्य के संयम का पालन करने का प्रयत्न करूंगी। तुम्हारी चित्रलेखा। बीज गुप्त ने पत्र पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे, उसका मुख पीला पड़ गया, उसका हृदय धड़कने लगा। उसने पत्र श्वेतांक को दे दिया और अपना मुख ढक कर वो अपने शयन गृह में चला गया। जिस बात के होने का बीज गुप्त को भय था, वो हो ही गई। चित्रलेखा और कुमार गिरी, कितना विचित्र योग था। बीजगुप्त कह उठा,
इन दोनों का अधिक दिनों तक साथ रहना असंभव है, असंभव है। पर इससे होता क्या था? संभव अथवा असंभव, बीजगुप्त को इससे क्या प्रयोजन था? बीजगुप्त के सामने ये प्रश्न था कि चित्रलेखा कुमारगिरी की ओर क्यों आकर्षित हुई? क्या प्रेम इसी को कहते हैं? क्या आत्मा का संबंध भी अस्थाई होता है? क्या चित्रलेखा का ये वाक्य ठीक था? आत्मा का संबंध अनादि नहीं है बीजगुप्त। पर यही बात कब निश्चित थी कि चित्रलेखा ने बीजगुप्त से प्रेम करना छोड़ दिया था? पत्र तो ये न कहता था, पत्र कुछ दूसरी ही कथा कहता था। वो कहता था कि चित्रलेखा ने प्रेम के सर्वोच्च आदर्श त्याग तथा आत्म बलिदान को अपनाया है। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को छोड़ा बीजगुप्त को सुखी बनाने के लिए। बीजगुप्त का हृदय चित्रलेखा पर उसके अविश्वास को धिक्कारने लगा। चित्रलेखा देवी थी, पर उसने भूल की, भयानक भूल की। बीजगुप्त के जीवन को सुखी न बनाकर उसने जीवन को दुखी बना दिया था। बीजगुप्त के लिए विवाह करना असंभव था। वो केवल एक स्त्री से प्रेम करता था, वो चित्रलेखा थी। और विवाह और प्रेम में गहरा संबंध है। बीजगुप्त सो न सका। वो उठा। उस समय अर्धरात्रि बीत चुकी थी। वो अपने भवन के बाहर निकला और कुमारगिरी की कुटी की ओर पैदल ही चल दिया। कुमारगिरी की कुटी में प्रकाश हो रहा था। कुमारगिरी अपने आसन पर ध्यानावस्थित बैठे थे। चित्रलेखा एक कोने में कुशासन पर पड़ी सो रही थी। बीजगुप्त ने चित्रलेखा को वैभव की चमक में देखा था, शांति की छाया में नहीं। इस बार उसने नर्तकी को शांति की छाया में देखा। चित्रलेखा के शरीर पर आभूषण न थे, केसर का लेप न था, उतावलापन न था। उसके मुख पर शांति की एक मीठी मुस्कान शोभित थी। वो संभवतः अपने स्वप्न लोक में शांति की देवी के चरणों पर लेटी हुई थी। बीजगुप्त चित्रलेखा के सिरहाने बैठ गया। एक टक वो चित्रलेखा को देखने लगा। प्रातः हो गया। कुमारगिरी ने समाधि तोड़ी और चित्रलेखा ने अपने नेत्र खोले। दोनों ने एक साथ ही बीजगुप्त को देखा और दोनों एक साथ कह उठे, अरे बीजगुप्त, बीजगुप्त। चित्रलेखा, बीजगुप्त, चित्रलेखा, क्या क्या तुमने निर्णय कर लिया? बीजगुप्त, तुम जो कुछ देख रहे हो यही मेरा अंतिम निर्णय है। चित्रलेखा योगी कुमारगिरी की कुटी में एक कुशासन पर जोगन के रूप में, और अब इसी रूप में रहना उसका निर्णय है। फिर चित्रलेखा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? और बीजगुप्त को देखकर उसने अपना मस्तक एक अपराधनी की भांति झुका क्यों लिया? इन प्रश्नों का
उत्तर हमें मिलेगा वार्तालाप के अगले चरण में, अगली कड़ी में। आज की कड़ी में भावुक प्रेमी बीज गुप्त बने थे कमल शर्मा और जोगन चित्रलेखा थी दिशी तुग्गल। सूत्रधार का काम कर रहे हैं हरीश भीमाणी। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो प्रकाशन में सहायक राजेश मलिक और इस प्रकाशन को प्रसारण माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब बीनू कलसी का नमस्कार अगली कड़ी तक। ये धारावाहिक चित्रलेखा इसलिए बड़ा खास है कि आज हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि सखी सहेली में आज पहली बार हिस्सा ले रहा हूं, क्योंकि चित्रलेखा उपन्यास मैंने 3 बार पढ़ा है और इसमें कुछ ऐसा आकर्षण है कि जितनी बार मैंने पढ़ा हमेशा मुझे नया ही लगा। और मैंने प्रदीप कुमार और मीना कुमारी अभिनीत फिल्म चित्रलेखा भी देखी है। आज उसी चित्रलेखा का रेडियो नाट्य रूपांतरण सुनकर रहा नहीं गया और मैंने अपने विचार लिख दिए। वैसे भी आज अवकाश था इस वजह से कार्यक्रम सुन रहा हूँ, अन्यथा फाइलों के ढेर में उलझा रहता हूँ। तो भाई आज जो है इस तरीके से मनोरंजन की दुनिया में जब आप उलझ गए और इस संजाल में आप आ गए तो आपको कैसा लगा? अब इसके बाद बताएं कि कैसा लगा उलझने में। बुआ जी आज तो आना ही था ना, क्योंकि आज तो बड़ा खास दिन है भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जी हाँ श्रोताओं को। और बड़ा अच्छा है कि आपका पसंदीदा ये चित्रलेखा आपने सुन लिया, तो जाहिर है कि आपको लगा होगा कि आपका रुकना आपका सुनना सार्थक हो गया। हाँ। और अच्छा लग रहा है कि आपने सुना। यही तो हम कह रहे हैं कि प्यार को प्यार ही रहने दो। जी विविध भारती की देखिए क्या खुशबू है। सबके दिलों को छू जाती है जी हाँ। सबका तन मन भी भिगो जाती है, तन मन भिगो जाती है और फिर तो ऐसे गीत संगीत के झूले में झुलाती है कि पूछो मत। हाँ याद आ जाती है झूलन गोस्वामी की। हाँ, ऐसा हाँ बिल्कुल जी। झूलन गोस्वामी एक ऐसी महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं बुआ जी, जिन्होंने महिला क्रिकेटरों की दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट यानी कि 196 वन डे मैचेस में विकेट लेने वाली हैं और इस खिताब को इन्होंने अपने नाम किया है। 25 नवंबर 1982 को पश्चिम बंगाल के नादिया में इनका जन्म हुआ। पिता निशित गोस्वामी और माता का नाम झरना गोस्वामी है। परिवार में इन्हें बाबुल कहकर पुकारते हैं। वैसे तो झूलन को बचपन से ही फुटबॉल का शौक था, लेकिन एक बार एडन गार्डन का जो मैच हो रहा था वहाँ इन्होंने ब्लेंडा क्लार्क को देखा क्रिकेट खेलते और उसके बाद इनका रुझान जो है वो क्रिकेट की तरफ हो गया। तो भाई ऐसा होता है कभी कभी, कोई कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं। हालांकि इनके जिंदगी में कहते हैं कि सपना देखा होगा इन्होंने, लेकिन सारी सुविधाएं ऐसी नहीं थी कि जो सपना देखें वो पूरा हो जाए। मध्यम वर्गीय परिवार था और बहुत सुविधाएं ना होने की वजह से बहुत मेहनत करना पड़ा उन्हें और क्रिकेट में बरकरार रखने के लिए मतलब जिस तरह की उन्होंने कहना चाहिए कि तपस्या की, तो ये सिद्ध कर दिया कि वो एक उम्दा क्रिकेट खिलाड़ी बन सकती हैं। और परिवार से अनुमति मिलने के बाद कोलकाता के क्रिकेट संस्थान में जाकर झूलन अभ्यास करने लगी और एक गेंदबाज के रूप में अपनी पारी को शुरू करते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का वो हिस्सा बन गई। जी 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला और फिर 2006-07 में टेस्ट सीरीज भी जीती। इसके बाद मैचेस का सिलसिला लगातार बढ़ता गया और इनकी जीत भी दर्ज होती चली गई। 2007 में झूलन एफ्रो एशिया टूर्नामेंट में आसियान स्क्वाड की मेंबर बनी और इसी वर्ष आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये खिताब भी इन्होंने जीता। 2008 से 2011 के बीच वो भारतीय महिला टीम की कप्तान भी रही यानी कि क्रिकेट टीम की। ओडीआई के एशिया कप में 100 विकेट लेने वाली वो चौथी महिला बनी और 2010 में भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इतना ढेर सारा तो उन्हें सम्मान मिला और मतलब अर्जुन पुरस्कार कहते हैं ना कि खेल का सबसे अच्छा सबसे सर्वोच्च सम्मान है, सबसे ऊपरी सम्मान है जी, पहले नंबर का सम्मान है। 2012 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर 10 क्रिकेट टेस्ट मैच में 40 विकेट लेने का के लिए और 223 मैचेस में
171 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने का रिकॉर्ड भी आपके नाम है और 1593 रन जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं, ये भी इनके खिताब में है, इनकी झोली में है। महिला वन डे इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी के नाम है। 2018 में 200 विकेट लेने वाली वो महिला पहली महिला है क्रिकेट खिलाड़ी बनी और 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 6 विकेट लिए। शांत सौम्य झूलन गोस्वामी जी को खेल मैदान पर मैचों में खेलते हुए दूरदर्शन पर बहुत बार देखा है और उनका इंटरव्यू भी सुनती हूँ। झूलन गोस्वामी को महिला क्रिकेट में उनके योगदान को देश और उनके प्रशंसक कभी नहीं भूल पाएंगे। आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हैं जी। ये हमारे साथी ने लेकर भेजा है। हाँ, तो फिर दिल से तो यही दुआ निकलती है कि भाई सलामत रहो। बिल्कुल सही बात है। तो झूलन जी ने कई जगहों का दौरा भी किया है, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, यानी कलकत्ता के स्टेडियम से लेकर के लॉर्ड्स तक का सफर क्रिकेट के खेल में इन्होंने किया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने तमाम प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हुए 255 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। सितंबर 2022 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अब झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर कोच के रूप में कार्यरत हैं। बुआ जी, बड़े सम्मान की बात यह है कि 2018 में हमारी सरकार ने झूलन गोस्वामी के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया है जी। और सम्मान तो हम लोग बता रहे हैं बहुत सारे मिले ही, उसके संग 2007 में ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी आपको मिल चुका है जी। तो बातें तो बहुत सारी हैं और विविध भारती की फिर से हम अगर हम बात करते हैं जो ये जानकारी यानी कि विविध भारती आप तक ये जानकारी पहुंचा पा रहा है, इसके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं, तो ये विविध भारती जो है वो देश की सुरीली धड़कन तो है ही, लेकिन हमारे साथियों ने बहुत सारी मिठाइयां भी लिख के भेज दी है, डिब्बा वब्बा भेज दिया बहुत ढेर सारा, तो उसके संग संग बड़ी मीठी मीठी बातें भी लिखकर भेजी हैं। हाँ, लिखते हैं एक हमारे साथी कि विविध भारती की स्थापना दिवस की बधाइयां, और वैसे आज दुर्गाष्टमी भी है, दिन है सुहाना, आज विविध भारती की स्थापना दिवस भी है, सोने पे सुहागा। विविध भारती मुझसे 7 साल छोटी है, मतलब छोटी बहन है, इससे मैं बचपन से लेकर इस ढलती उम्र में भी अभी तक सुन रहा हूँ और वो हमें कह रही है भैया मेरे बचपन के साथ को निभाना, छोटी बहन विविध भारती को न भुलाना, तुम्हारी ढलती उम्र का साथ है निभाना, भैया ये वादा है मेरा निभाना निभाना। वाओ, ऐसे ही लुटा दिया। बहुत प्यारा लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है। और इसके संग संग लिखा भी है एक जन ने कि 1960 में हमारे घर में आया था रेडियो, तब समझ में नहीं आता था कार्यक्रम, लेकिन हवा महल की धुन बहुत अच्छी लगती थी। बड़ा पुराना कार्यक्रम है ना। तो कार्यक्रम तो पुराना है लेकिन संगीता आज जो है हम हवा महल जरूर सुनिएगा, एक नई झलकी हम लेकर हाजिर होंगे, प्रहसन है, जरूर सुनिएगा रात को 8:01 पर जी। और अब सखी सहेली कार्यक्रम से ले लें विदा बुआ जी, तो सभी को विविध भारतीय स्थापना दिवस की एक बार फिर शुभकामनाएं जी। और संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार।